Hi guys, welcome back to my channel, Gracing Lodi से मंजुला सिंह, beauty expert. और हमारा जो skin lighting challenge है, वो भी continue है. पहले पार्ट में मैंने बताया कि एक अच्छा सा फेस मास्क, एक अच्छा सा उपटन आप कैसे तैयार कर सकते हैं अपने स्किन के डीप क्लिंजिंग के लिए, यानी रेगुलर वॉश जो होता है, फेस वॉश की जगह उसको यूज कीजिए. और आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक फेस स्क्रब आप कैसे तैयार कर सकते हैं. एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन में एक फेस मास्क, आपका एक फेशियल स्क्रब, टोनर होना बहुत ही जरूरी है. तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि फेशियल स्क्रब आप कैसे तैयार कर सकते हैं, फेस के लिए एक्सफोलिएटर कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपके स्किन के डेड सेल्स रिमूव हो जाएं, साथ ही अनवांटेड चीजें, इम्प्यूरिटीज, पॉल्यूटेंट सभी रिमूव हो जाए और आपकी स्किन हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ग्लोइंग. तो चलिए देखते हैं उसको बनाते कैसे हैं. फुल बॉडी स्किन व्हाइटनिंग चैलेंज का ये दूसरा पार्ट है. तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक अच्छा सा स्क्रब आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. ये मिक्सचर क्या है वो मैं बता दूँ. ये मैंने एक चम्मच लिया है, ये चावल पिसा हुआ है और जो पोटैटो पील होता है ये इसका मिक्सचर है. जो राइस और पोटैटो पील का मिक्सचर आप लोगों में से अगर कोई यूज़ करते हैं तो बस उसी को आप पीस लीजिए दोनों को साथ में. ये स्क्रब का आपका मेन इंग्रेडिएंट रेडी हो गया. तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, इसमें सोक किया हुआ चावल है पिसा हुआ और साथ ही साथ आलू के कुछ टुकड़े हैं, आलू का छिलका है. इनफैक्ट आलू का मेन जो पार्ट होता है वो नहीं है, बस आलू का छिलका है. और ये दोनों के दोनों स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है. तो स्क्रब रेडी करने के लिए बस आपको यही वाला पेस्ट चाहिए. अगर आप वो चावल जो का पानी बालों में लगाते हैं तो उसका वेस्ट आपको नहीं करना. आप अक्सर पूछते हैं कि उसका मैं क्या करती हूँ, तो मैंने बताया है कई बार कि उसका मैं स्क्रब के रूप में यूज़ करती हूँ. ये चावल और आलू का मिक्सचर हो गया, उसमें हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, ये थोड़ा सा रोज़ वाटर. ये बस आपका स्क्रब रेडी हो गया. इसको हाथों पर लगाइए, पैर में लगाइए, फेस में लगाइए, बैक में लगाइए. और मास्क मैंने जो एवरीडे बताया है वो एवरीडे लगाना है और इसको वीक में सिर्फ 3 बार लगाना है. इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आएगा कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपकी जो स्किन है वो क्लीन नज़र आएगी और उसकी जो टैनिंग है वो बहुत हद तक कम नजर आएगा. तो इसको यूज कीजिए वीक में 3 बार और अपने स्किन को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. जब भी आप कोई फेस मास्क या स्क्रब लगाएं तो उसके बाद अपने फेस पे मिस्ट स्प्रे या रोज स्प्रे जरूर करें. इससे आपकी स्किन रिफ्रेश्ड और हाइड्रेटेड हो जाएगी. अगर आप एक फास्ट लाइफ जीती हैं और आपकी स्किन डल और लाइफलेस हो गई है तो आपको मैं ये 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका यूज करके अपने स्किन को फिर से हेल्दी और ग्लोइंग बना सकती हैं. तो ये पहला प्रोडक्ट है रोज सैफ्रॉन मिस्ट, जिसे आप दिन भर में कभी भी यूज कर सकती हैं. इवन आप मेकअप के पहले, मेकअप के बाद या दिन भर में कभी भी आपको लगे कि स्किन डल सी दिख रही है, आप थकी भी महसूस कर रही हैं, आपका चेहरा भी थका थका सा लग रहा है, तो ऐसे में इस मिस्ट को स्प्रे कीजिए पूरे फेस पे, नेक पे. उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फेस भी बहुत ही फ्रेश लग रही है, साथ ही साथ आपका मूड भी लिफ्ट हो गया है. इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो आपके मूड को भी काम करेगा और रिफ्रेश रखेगा. इस मिस्ट का इफेक्ट बहुत ही सूदिंग और कामिंग है. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो आपके स्किन के इरिटेशन को, बर्निंग सेंसेशन को या रेडनेस को ठीक करके स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगा. इसमें रोज और सैफ्रॉन है जो स्किन के एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस को भी ट्रीट करेगा और साथ ही साथ स्किन को फ्लॉलेस बनाकर रखेगा. तो ये देखिए, इस तरह से आपको स्प्रे करना है, हल्का सा मसाज करना है और इसको लगा हुआ आपको छोड़ देना है. आप इसको ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह भी ले सकते हैं. ये आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा सूदिंग कामिंग इफेक्ट देगा और इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है. और ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये भी रूप मंत्रा का फेस सीरम है या विटामिन सी सीरम है. इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें मुलेठी है, सी बकथॉर्न है और मलबेरी के एक्सट्रैक्ट्स हैं. ये सारे इंग्रेडिएंट फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन के पिगमेंटेशन पे काम करते हैं, समय से पहले अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं उसको भी खत्म करते हैं, नरिश करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं. और इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होने की वजह से स्किन के जो इलास्टिसिटी है, कोलेजन लेवल है, वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा. आपकी स्किन बहुत ही लंबे समय तक यंग और यूथफुल दिखेगी, साथ ही साथ ग्लोइंग नजर आएगी. ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, आपका कॉम्प्लेक्शन बूस्ट होगा क्योंकि इसमें विटामिन सी है और ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है. दोनों के दोनों प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और किसी भी तरह के कोई हार्श केमिकल नहीं है और ये हर तरह के स्किन के लिए सेफ है. इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इसको एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, कुछ बूंदे विटामिन सी सीरम की आप अपने फेस पे, नेक पे लगाइए, मसाज कीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए.
देखा आपने बनाना कितना आसान था, ग्रेसमेंट भी मैंने साथ के साथ ही बता दिया। तो होप करती हूँ कि ये आप जो स्क्रब है अपने स्किन के रेजीम में जरूर शामिल करेंगे अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो शामिल करना आपकी चॉइस नहीं, आपकी नेसेसिटी है कि जिस तरह से सीरीज बना है आपको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो आपको करना है। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।